लखनऊ के कमिश्नर डी के ठाकुर को 112 नंबर से कॉल पर धमकी मिली। जी आपको बता दें कि जान से मारने की धमकी के बाद लखनऊ कमिश्नर के आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं इसकी जांच लखनऊ के डीसीपी साउथ को सौंपी गई है। कॉल करने वाले को बताया जा रहा है कि जिस तरह से उसने अपनी समस्या को लेकर 112 नंबर पर कॉल की, वहीं लखनऊ कमिश्नर डी के ठाकुर को जान से मारने की धमकी डाली। अभी तक इस पूरे मामले में जाँच चल रही है और कॉल की लोकेशन ट्रैक करने पर जानकारी मिली कि वो कॉल दिल्ली के नंबर से किया गया था, लेकिन अभी तक जो कॉल करने वाला जो अपराधी है, जो जिसने कमिश्नर को धमकी दी डाली, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जहां जांच में जुटी लखनऊ पुलिस, देखना यह है कि किस तरह से अब जिस तरह से लखनऊ कमिश्नर को धमकी 112 के कॉल के माध्यम से मिली, आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस आखिर किस तरह से करती है और इस पूरे जांच, जिस तरह से डीसीपी साउथ को जांच सौंपी गई है, पूरे जांच में किस तरह का मामला सामने आएगा। हेलो, डीसीपी साउथ जी बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं, बताइए। नमस्कार भाई साहब, मैं पत्रकार विक्रम कश्यप बोल रहा हूँ हंगामा टाइम्स न्यूज एजेंसी से। नमस्कार, बताइए। सर, कमिश्नर साहब वाला जो प्रकरण है जिसमें धमकी मिली थी, जांच आपको सौंपी गई, उस मामले में सर कुछ जानकारी, कुछ प्रोग्रेस हो पाया? अभी जांच आई है और उसके फैक्ट्स ये है, मतलब डाइवर्ज करना अभी थोड़ा ये है। वैसे ये बता दें कि उसकी अपने पत्नी से कुछ विवाद चल रहे थे, शायद वेरीफाइड मुकदमा उसकी पत्नी ने करा रखा है, उसकी शिकायत नहीं है पुलिस में, तो इसलिए वो पत्नी से भी दुखी था और इसलिए वो जो है धमकी देने की बात कर रहा था। अच्छा। और वो वैसे बोल रहा था कि लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ में उसमें था नहीं। लोकेशन सर दिल्ली बताई जा रही है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ठीक सर, नमस्कार।